रिफिल एंड नॉन रिफिल फॉलोवर में क्या अंतर है, आज मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप फॉलोवर बाय करते हो, ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन आता है रिफिल, नॉन रिफिल, VIP वगैरह वगैरह बहुत सारे आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिफिल और नॉन रिफिल में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंट क्या है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो रिफिल हो या नॉन रिफिल हो, गारंटी किसी भी फॉलोअर्स की नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको अंतर बता दूंगा जिससे कि आपको कुछ तसल्ली मिले कि हाँ ये है, आपको पता चले। और मैंने देखा है YouTube में बहुत सारे लोग हैं, लिखा तो है टाइटल में लेकिन अंदर बताते ही नहीं है कि है क्या आखिर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट जरूर कर देना, मैं ऐसी वीडियो के लिए और बनाता हूँ। जब आप कभी बाय करते हो इंस्टाग्राम फॉलोवर तो वहाँ लिखा रहा है रिफिल, जब आप रिफिल करोगे तो आप समझ सकते हो रिफिल, रिफिल मतलब जो ये फॉलोवर्स होते हैं वो क्या होंगे, ड्रॉप नहीं होंगे। अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस ड्रॉप हो भी गए तो क्या होगा कि जो मतलब जहाँ से आप बाय कर रहे हो फॉलोवर, वो लोग आपके फॉलोवर को फिर से रीफिल कर देंगे। मतलब एक एग्जांपल में आपने 1000 फॉलोवर बाय किए और वो कुछ दिनों में 800 बचे तो फिर से 200 फॉलोवर को रीफिल कर देंगे, ठीक है। मतलब कि आपके फॉलोवर एक टाइप से मतलब ड्रॉप नहीं होंगे, ड्रॉप तो होंगे लेकिन फिर से उतने ही आपके इनक्रीज होएंगे, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ही आपके बढ़ा देगा, ठीक है। ये तो हो गया रीफिल, ठीक है, आप नाम से कुछ समझ सकते हो। उसके बाद हो गया नॉन रिफिल, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट जरूर कर देना, मैं ऐसी वीडियो के लिए और बनाता रहूँगा। नॉन रिफिल जो फॉलोवर हैं उससे आप समझ सकते हो कि ये जो फॉलोवर हैं ये ड्रॉप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ड्रॉप हो सकते हैं। और अगर ड्रॉप हो गए तो ये मतलब फिर से रिफिल नहीं होंगे, मतलब अगर एक बार ड्रॉप हो गए तो हो गए, आपका लक है। अगर ड्रॉप हो गए तो वो वापस नहीं करेंगे, मतलब सर्विस जो प्रोवाइडर हैं वो फिर से आपके जो फॉलोवर हैं उनको फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो रिफिल वाले हैं वो थोड़े से महंगे मिलते हैं, ठीक है, और जो नॉन रिफिल वाले हैं वो थोड़े सस्ते मिलते हैं। आपने देखा होगा, अंदाजा कर लीजिएगा। तो कभी भी आप फॉलोवर बाय करो, मैं वो तो बोल तो नहीं रहा हूँ कि आप बाय करो ही, ठीक है, मैं ओनली बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ से कि अगर कभी भी आप फॉलोवर बाय करो तो रिफिल वाले कीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर आपके कभी फॉलोवर कम भी गए, मतलब इनक्रीज नहीं हुए, मतलब डिक्रीज हो गए, तो वो फिर से फिल हो जाए, ठीक है, जितने आपने बाय किए थे आपके उतने ही रहे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं और कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।